अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम, कक्षा 10, विषय हिंदी, कुत्ते की सीख, जिसे लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में सन 1908 को हुआ। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास की। दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। दिनकर जी की मुख्य रचनाएं हैं उर्वशी, रश्मि रथी, रेणुका, हुंकार, रश्वंती, कुरुक्षेत्र आदि। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है। उर्वशी के लिए उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और दिनकर जी का जो निधन है वो 1974 में हो गया था। कुत्ते की सीख। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। एक वन था जिसमें घनी झाड़ियों के बीच एक खरहा रहता था। वह सबकी नज़रों से बचकर छिपकर वहां रहता था। फुदक फुदक फुनगियां घास की चुन चुन कर खाता था। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। वह फुदक फुदक कर हरी हरी मुलायम घास को खाता था। जब भी कोई उसके पास आता था, दिखाई देता था, तो वह झाड़ियों के बीच जाकर छिप जाता था। एक रोज़ आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया, वह सूंघ सूंघ कर झाड़ियों में अपना शिकार ढूंढने लगा। आखिर वह झुनमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। आखिर में वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जहां खरहा रहता था, लेकिन शायद उसकी उम्र अभी बाकी थी। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। कुत्ते की सांसों की आवाज़ सुनकर वह खरहा जाग गया और अपने ऊपर काल को खड़ा देखकर वह अपनी जान बचाने के लिए भागा। झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। खरहे को पकड़ने के लिए कुत्ते ने अपने पंजे से उस पर झपट्टा मारा, लेकिन वह उसे पकड़ न सका। खरहे के पीछे वह तेज़ी से दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। 4 मिनट तक खुले मैदान में खरहा और कुत्ते की दौड़ जारी रही, इतने में सामने कंटीली झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। एक छलांग मारकर खरहा उस घने जंगल में झाड़ियों में छिप गया। कुत्ता इधर उधर खरहा को खोजते हुए सूंघने लगा और फिर लौट गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खरहे से हारे। एक लोमड़ी खरहा और कुत्ते की इस दौड़ को देख रही थी, वह कुत्ते से बोली, मामा तुम उस खरहा से हार गए हो। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। वह कुत्ते से बोलती है कि आपका इतना मोटा शरीर है फिर भी थक जाते हो, जंगल के छोटे मोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते हो। कुत्ता हजारे दीवानी तो नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। कुत्ता हंसकर बोला कि तू तो दीवानी है, बेकार में ही बकवास करती है, तू इस राज को नहीं समझ सकती। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। कुत्ता कहता है कि मैं तो केवल एक दिन के भोजन के लिए दौड़ रहा था, लेकिन खरहा तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। सभी शास्त्र कहते हैं कि हमें रोटी को कमानी चाहिए, लेकिन अपनी जान बचाकर, और जब प्राण संकट में हो तो इसे बचाओ पर शक्ति पूरी शक्ति लगाकर। थैंक यू।